2015 में रिलीज हुई बाहुबली द बिगिनिंग ऐसी एक फिल्म है जो इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर कई देशों में ये मूवी का रिकॉर्ड है। ये एक ऐसी फिल्म है जो दोबारा देखने में कभी भी बोर फील नहीं होगी। तो ऐसी इवरग्रीन मूवी कैसे बनी एंड इसके पीछे एस एफ राजामौली, प्रभास, राणा दागुबती, अनुष्का, तमन्ना और तमाम कलाकारों की जो हार्डवर्क है वो सब इस वीडियो के थ्रू आप जान पाओगे। तो बाहुबली मूवी में महेशमति साम्राज था एक विशाल पर्वत की चोटी पर। हालांकि फिल्म में दिखाई गई ये पर्वत CGI एंड VFX की थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग आथिरैवेल्ली वाटरफॉल लोकेशन पर हुआ था जो केरला में है। तो ये वाटरफॉल में फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग हुई थी और इस शूटिंग के दौरान बारिश की सामना भी करना पड़ा था। फिल्म की इस पर्वत वाला सीन के लिए प्रभास सर को अबाउट 15 डेज हिल क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ी प्रोफेशनल ट्रेनर्स द्वारा। लेकिन फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी के अंदर हुई थी। यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा सेट बनाकर ये हिल वाला सारे शूटिंग की गई और बाद में CG एंड VFX की हेल्प से ऐसा खूबसूरत लोकेशन पर दिखाया गया था। बाहुबली द बिगिनिंग पार्ट में ये बाइसन के साथ भालाल देव का फाइट सीक्वेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये सीन को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर सेट में शूट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जमीन पर रेत फैलाकर और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर्स की स्क्रीन से घिरे ये शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पर दिखाई गई ये बाइसन रियल नहीं थे, बाइसन की जगह पर ग्रीन ड्रेस पहने हुए व्यक्ति के साथ सेट पर ये सीक्वेंस की शूटिंग किया गया था, जो बाद में CGI द्वारा बनाई गई बाइसन के साथ एडिटिंग एंड VFX के थ्रू रिप्लेस किया गया है। बाहुबली द बिगिनिंग पार्ट में जो एक्शन लेवल है वो तो बहुत ही धमाकेदार है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का एक्शन कोरियोग्राफर थे पीटर हेन, जिन्होंने इससे पहले रोबोट 2.0 जैसा ब्लॉकबस्टर मूवी का एक्शन डायरेक्टर थे। तो मूवी का हर एक्शन सीक्वेंस के लिए काफी प्रैक्टिस किए थे प्रभास, राणा दागुबती और फिल्म की छोटा बड़ा तमाम कलाकारों ने। आप यहां पे देख सकते हैं शूटिंग के पहले कैसे प्रैक्टिस करी गई थी। इस मूवी का एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन के अलावा राजामौली सर भी एक्शन सीक्वेंस की आइडिया दिए थे। आई थिंक इसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, और जिसके लिए उनके हर फिल्म एक मास्टरपीस है। तो बाहुबली मूवी को मास्टरपीस बनाने में मूवी का स्टोरी लाइन एंड सभी एक्टर्स एक्ट्रेस की एक्टिंग तो अमेजिंग था, लेकिन इस मूवी को मास्टरपीस बनने में मूवी का हाई लेवल की VFX एंड CGI का क्रेडिट भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कमल की विजुअल के पीछे कई सारे VFX कंपनी थे, जैसे कि माकुता VFX स्टूडियो, फायरफ्लाई क्रिएटिव स्टूडियो, ताओ फिल्म, फ्रास्टार VFX। तो इतनी सारे कंपनी के बीच मैक्सिमम इंडियन कंपनी था, जैसे कि माकुता VFX स्टूडियो, फायरफ्लाई, प्रसाद, ये सब हैदराबाद के फेमस विजुअल कंपनी हैं। एंड मूवी का VFX सुपरवाइजर थे वी श्रीनिवास मोहन, जिन्होंने 3 नेशनल अवार्ड पाए थे और उन्होंने भी एक इंडियन ही हैं। तो बाहुबली इसी पार्ट में लगभग 4500 VFX एंड CGI शॉट्स हैं एंड इसी शॉट्स को बनाने में 15 VFX कंपनी का हार्डवर्क था। तो ये तो था VFX आर्टिस्ट का हार्डवर्क, लेकिन इससे पहले फिल्म की हर सीक्वेंस में दिखाई गई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये पैलेस, एलिफेंट, वेपन्स, लोकेशन सब कुछ डिजाइन की जाती है, और इसके डिजाइनर थे आर्ट डायरेक्टर साबू सिरिल, जिन्होंने RRR मूवी में भी सभी विजुअल की स्केच डिजाइन किए थे।
बाहुबली द बिगिनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन ये दोनों पार्ट के लिए अबाउट 5 ईयर्स लग गए थे और इसी टाइम के अंदर प्रभास सर कोई भी प्रोजेक्ट में साइन नहीं किए थे। इवन काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट कंपनी भी उसके ऑफर दिए थे लेकिन वो सब रिजेक्ट करके अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट पर फोकस किए थे। मूवी के लिए अच्छी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स था जिसके लिए उन्होंने अपना घर में एक जिम भी खोला था। तो आप तो देखा ही होगा ये मूवी ऐसी मास्टरपीस नहीं बनी, इसके पीछे कितना हार्डवर्क है फिल्म की सभी कलाकारों की। तो इसी तरह मूवी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।